मेहमान साहब देखिए इस वक्त आपको ये तस्वीरें लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये हादसा हुआ इतने लोग घायल हैं, रेल मंत्री को यहाँ पहुँचना था। इस वक्त फिलहाल जो है शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यहाँ पर आए हैं क्योंकि एक बड़ा हादसा रेलवे का और लगातार इसको लेकर जितने भी मंत्री जितने सरकारी लोग हैं यहाँ पहुंचे। कोशिश कर रही हूँ दिखाने की कि जो हादसे में घायल लोग हैं अस्पताल में भर्ती हैं उनसे मिलने के लिए इस वक्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के एम अस्पताल में पहुंचे हैं और जितने भी सरकारी मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जैसे हमने कहा भी कि 5 लाख का मुआवजा जो है जो मृतक के परिवार है उनको दिया गया और अभी भी एम्बुलेंस देखिए मेहमान साहब रुक नहीं रही है। यहाँ पर जो घायल है उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। इसी के साथ जो परिजन है जिनको पता चला है कि उनके अपने नहीं रहे उनके लिए बेहद दुख की घड़ी। यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर रेल मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचेंगे लोगों से मुलाकात करने के लिए। रेलवे का ये इतना सकरा पुराना ब्रिज जिसको लेकर पहले भी कई बार मरम्मत के लिए लोगों को और यहाँ तक कि रेलवे प्रशासन को अधिकारियों को जानकारी दी गई थी बट वक्त रहते एक्शन नहीं हुआ और इसकी भेंट चढ़ गए 22 लोग 22 जाने। एक बाप रो रहा है अपने बेटे के लिए, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपनी बीवी खो दी इस हादसे में, बेगुनाह लोग। और अब इस वक्त जो तस्वीरें अस्पताल की दिखा रही हूँ कि कैसे मुंबई के लिए एक बड़ा हादसा, एक भगदड़ मच जाना एक अफवाह के चलते। और यहाँ पे बात करती हूँ मैं, मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है फिलहाल, जाना चाहेंगे कि क्या अभी भी मेडिकल सुविधाएं जो इंजर्ड लोग हैं उनको दी जा रही है? अभी तक का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें 22 लोगों की जो है मृत्यु हो गई है और इस एफओबी के लिए हम काफी सालों से इसका जो है फॉलोअप कर रहे थे क्योंकि ये एक एफओबी है और यहाँ पे आप देखेंगे तो आसपास में कम से कम 4 से 5 बड़े हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रेग्नेंट लेडीज हाथ में सलाइन लिए हुए पेशेंट्स, उनका आना जाना, बच्चों का आना जाना, और एक एफओबी जो है वो बिल्कुल वहाँ पे सफिशियंट नहीं है। एक एफओबी आगे बनाया हुआ है जो कि उसका पूरा पैसा खर्चा हो गया, मतलब उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, ऐसा एफओबी एक आगे बनाया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये रेल प्रशासन का जो है उन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया और इसी की आज जो है हम देख रहे हैं कि आज 22 लोगों को 22 जो लोग हैं आज उनको अपने जान से हाथ गवा देने बैठे हैं। ये जो बेगुनाह लोग हैं जिनकी जान गई है इनके लिए किस पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, कौन इनकी मौत के लिए जिम्मेदार? एक बात ये समझ में नहीं आती कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन की जो है वो आने की बहुत बड़ी खुशी मनाई गई लेकिन जबकि यहाँ पे जो लोकल प्रवासी है, जो लोकल ट्रेन व्यवस्था है उसकी जो हालत है वो बहुत खस्ता हालत है। आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है रेलवे को मुंबई से जाता है और इस बदले में मुंबई को अगर कुछ मिलती है तो मौत जो हम देख रहे हैं और ये बड़ी दर्दनाक और शर्मसार। चित्रा जी मुझे ये बताइए क्या इससे पहले आप लोगों ने भी इस ब्रिज को लेकर रेलवे प्रशासन को लिखा था, कहा था कि इसकी मरम्मत? बिल्कुल ये हमने लिखा था, हमने फॉलोअप भी किया था। मुझे याद है 4-5 साल पहले स्मृति ईरानी भी यहाँ पे आके गई है, उसी प्लेटफॉर्म पे आके गई है जहाँ पे उन्होंने देखा कि शौचालय की बात थी वो वहाँ पे नहीं है, एक एफओबी सफिशियंट नहीं है। ये सारे बातें स्मृति ईरानी जब आई थी उनको भी हमने दिखाई थी। इसके बाद भी हम और रेलवे प्रशासन के जो संगठन के पदाधिकारी उन्होंने इसके लिए फॉलोअप भी किया था लेकिन ये ऐसे लग रहा है कि जब तक लोगों की मौत नहीं होती सरकार से कोई विकास के लिए या उसके उपाय योजना के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता, ये दिखाई दे रहा है। बिल्कुल एनसीपी प्रवक्ता चित्रा वाघ जिनका कहना कि लापरवाही सरकार की और वक्त रहते अगर रेलवे प्रशासन ने इस ब्रिज को लेकर जो लगातार ये मुद्दा उठाती रही है ऐसा इनका कहना, अगर वक्त रहते एक्शन लिया होता तो 22 लोगों की जाने नहीं जाती। जितने पार्टी के लोग हैं अलग अलग पार्टी के प्रवक्ता है वो यहाँ पहुंच रहे हैं क्योंकि अब ये मौका भी शायद इनको कहा जा सकता है कि इस पर रेलवे की लापरवाही साफ झलक रही है, रेलवे की ओर से काम नहीं किया गया तो शायद अब ये मौका भी है इनके लिए पॉलिटिकल माइलेज का। लेकिन दुखद घटना ये है कि 22 लोगों की इसमें जान गई है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मौजूद थे, मुंबई महापौर यहाँ पर आकर जायजा ले चुके हैं, रेलवे मंत्री कह चुके हैं कि उनके यहाँ आने पर यह बेहद दुखद हादसा है। फिलहाल जो इंजर्ड है वो भी अभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एम्बुलेंस जो है वो एक के बाद एक यहाँ पर आ रही है। जो मृतक के परिजन हैं वो किसी तरीके से मेहमान साहब बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी हालत हम समझ पा रहे हैं कि कितनी मुश्किल में है। बेटा काम के लिए घर से निकला था, रोजाना बाइक पर जाता था, आज बारिश हुई, ट्रेन से जाने की ठानी और मौत हो गई। कुछ इसी तरीके से हालात जो मृतक के परिजन है वो बता रहे हैं। लोगों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया है और जो लोग वहां पर घायल अवस्था में इस वक्त दाखिल है उनके सामने अब मुश्किल ये है कि खून की कमी है और इसलिए हम लगातार ये लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि अगर आप मदद कर सकते हैं लोगों की तो जरूर मदद
मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। केएम अस्पताल में आप जा सकते हैं या पास में जो वहां पर प्राइवेट अस्पताल है, वाडिया अस्पताल और ग्लोबल अस्पताल, वहां भी आप जा सकते हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये जो है खून की जरूरत वहां पर है इस वक्त। और कोशिश यही होनी चाहिए ऐसी मुश्किल घड़ी में कि अगर आप मदद का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं तो जरूर मदद आगे बढ़ाइए, केएम अस्पताल में जाइए और ब्लड डोनेट कीजिए।